टू माई वर्गो कन्या राशि, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर सन मून राइजिंग आपकी कन्या राशि है तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो सकती है। हम चेक करेंगे आपके लव लाइफ और करियर, बिजनेस, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है April 1st to 15th April। ओके, सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस इतना ही दिमाग में आपको रखना है। सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है, जो चीज़ें आपके साथ मैच करती है उसे एज गाइडेंस ज़रूर लें। सो टैरो या कोई भी विद्या आपको आपकी लाइफ की पॉसिबिलिटीज़ बता सकती है, इस टाइम फ्रेम में ये पॉसिबल हो सकती है आपके लिए, लेकिन वो जो डेस्टिनी है वो आपकी कर्मा डिसाइड करती है, ठीक है। आउटकम जो है वो आपके कर्मा डिसाइड करती है। सो जो गाइडेंस आपको इस रीडिंग से मिलेगी उसे फॉलो ज़रूर करें ताकि आप इस रीडिंग का और इस टाइम फ्रेम का एक पॉजिटिव आउटकम रिसीव कर पाओ और ऑब्स्टिकल को ईजीली ओवरकम कर पाओ, ठीक है। सो पहले हम चेक करेंगे आपकी लव लाइफ को और उसके बाद हम चेक करेंगे आपके करियर, बिजनेस, फाइनेंस एंड ओवरऑल लाइफ। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग मेरे कन्या राशि वालों के लिए क्या है इस टाइम पे। April 1st to 15th April मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स मेरे कन्या राशि वालों के लिए क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। हैंग्ड मैन, सन, सो सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी थ्री ऑफ कप्स, एक सेलिब्रेशन का कार्ड है जो कि ऑब्स्टिकल में है। एट ऑफ पेंटिकल्स, मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगी। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूअर्स की फीलिंग्स उनके पार्टनर्स के लिए क्या होंगी। डिवाइन प्लीज गाइड, प्लीज गाइड डिवाइन माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। टेम्परेंस, किंग ऑफ वंस, टू ऑफ कप्स जो कि ऑब्स्टिकल में है, एंड एस ऑफ कप्स, द मैजिशियन। ओके, सो आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं टॉरस, पाइसिस, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके ओके, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है सैक्रिफाइस कर रहे हैं कुछ चीज़ों को, या आपको, या फिर किसी चीज़ को सैक्रिफाइस कर रहे हैं ऐसा दिख रहा है, ठीक है। स्टबर्न हो सकता है इंसान बहुत ज़्यादा, ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, और बहुत कन्फ्यूज़ है, इनको नहीं समझ में आ रहा कि इनको करना क्या है, ठीक है। ये इंसान जो है मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि एक अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहे हैं और टाइम ले रहे हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। ये आपके साथ खुशियां ज़रूर चाहते हैं और ऐसा लग रहा है मुझे कि फ्यूचर में आप दोनों एक हो सकते हैं, बट इस टाइम पे एक न्यू बिगनिंग मुझे आपके कार्ड में ज़रूर दिख रही है आपके स्प्रेड में, लेकिन आपके पार्टनर के स्प्रेड में मुझे ये बहुत ज़्यादा हर्ट दिख रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान आपको देख के, यू नो, आप बहुत ज़्यादा अपने आप में फोकस्ड हैं, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हैं, तो ये सब देख के ये इंसान थोड़े से हर्ट हो सकते हैं। इनको ऐसा लग सकता है कि यू नो अब आप जो हैं इन पर इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर इस रिश्ते में आप काम करने के लिए रेडी नहीं हैं। सो ये जो ये चाह रहे हैं कि आगे फ्यूचर में जाके आपके साथ फिर से ये कनेक्ट करें, या फिर एक खुशियां आपके साथ सेलिब्रेट करें, आपके साथ आगे बढ़े, वो चीज़ें नहीं हो रही है। वो चीज़ें मुझे थोड़े से ऑब्स्टिकल में दिख रही हैं, और सेलिब्रेशन जो ये चाहते हैं वो भी ऑब्स्टिकल में दिख रहा है, ठीक है। ये चाहते ज़रूर है सेलिब्रेशन आपके साथ, लेकिन इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपके साथ अब चीज़ें इतनी सही नहीं हो पाएगी, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। इस रिश्ते पे ये काम ज़रूर करना चाहते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान अपने फाइनेंस में काम करते हैं, मुझे ज़रूर दिख रहे हैं। ओके, सो कॉल, मैसेज,
और कोई बातचीत आप लोगों की हो सकती है ऐसा दिख रहा है मुझे, जो कि इनके तरफ से नहीं, मुझे आपकी तरफ से दिख रहा है। आप कोई एक्शन इनके टुवर्ड्स ले सकते हो कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग किसी न्यू पर्सन के साथ करते हैं, मुझे दिख रहा है इस टाइम पर, ठीक है। कुछ लोग अपने पास्ट के पर्सन को अप्रोच कर सकते हैं इस टाइम पे और इनसे बात कर सकते हैं और इनको हर्ट कर सकते हैं, मुझे ये दिख रहा है। सो आप इनसे बात ज़रूर करोगे इस टाइम पे और इनको हर्ट करोगे बहुत बुरी तरह से, या फिर आपके एनर्जीज़ को देख के आप बहुत बैलेंस्ड हैं, या फिर यू नो पहले जैसी कोडिपेंडेंसी या फिर एडिक्शन नहीं है आपके इनके लिए, या फिर पॉजिटिवनेस नहीं है इनके लिए, ये देख के शायद ये इंसान हर्ट होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ये ऐसा ज़रूर देखेंगे जिससे कि बहुत बुरी तरह से मुझे हर्ट होते दिख रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल इनकी एनर्जी जो है ना वो हार्डवर्क की है, वो मेंटेनेंस की है। सो ये मेंटेनेंस या तो ये खुद के ऊपर करेंगे या फिर इस रिश्ते पे करना चाहेंगे, और कुछ लोगों के लिए ये अपने फाइनेंस को ग्रो करने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए कुछ ना कुछ ये हार्डवर्क करते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये इंसान इस रिश्ते में काम करना चाहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ आपके एनर्जीज़ को ऐसे कि देखेंगे कि ये बहुत बुरी तरह से हर्ट होंगे, या फिर इंटेंशनली आप इनको हर्ट करोगे ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। आपकी एनर्जीज़ की अगर हम बात करें तो आप बहुत बैलेंस होते दिख रहे हैं इस टाइम पर। आप अपनी दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करते दिख रहे हो, एक टेम्परेंस की एनर्जी में आते दिख रहे हो, एक ऑरा आपका बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखेगा इस टाइम। लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे आपसे, यू नो आपने बहुत कुछ सीखा है अपनी लाइफ में, पास्ट के चीज़ों से आपने बहुत सारे लेसन लर्न किए हैं, और अब आप जो हैं अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करते मुझे दिख रहे हो। थोड़े से आप यू नो इस टाइम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, करेजियस, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव भी आप दिखोगे ऐसा लग रहा है, और थोड़े फ्लर्टिशियस भी दिख रहे हो मुझे, ठीक है। थोड़ा फ्लर्ट करते दिख रहे हो मुझे, चैटिंग करते दिख रहे हो यहाँ वहाँ किसी से, यू नो आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। प्यार आप इस इंसान से ज़रूर करते हो, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि इनके साथ आपकी यू नो खुशियाँ आपकी नहीं हैं, इनके साथ आप जो चाहते हैं, जो खुशियाँ जो डिज़र्व करते हैं आप, वो आपको नहीं मिलती है, आपको ऐसा लगने लगा है, ठीक है। सो आपको ऐसा लगता है कि जिस तरह से आप इनको प्यार करते हैं, आप इनको रिस्पेक्ट करते हैं, जिस तरह से आप डेडिकेटेड हैं इस रिश्ते में, उस तरह से आपके पर्सन आपको कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहे हैं, या फिर इनकी एफर्ट्स इस रिश्ते में नहीं हैं, आपको ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये कार्ड ऑब्स्टिकल में है। एक न्यू बिगनिंग मुझे ज़रूर दिख रही है आपकी लाइफ की, एक इमोशनल कनेक्शन ज़रूर दिख रहा है, एक इमोशनल फुलफिलमेंट ज़रूर दिख रहा है, लेकिन कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट के पर्सन के साथ हो सकती है, और कुछ लोगों के लिए न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री लेंगे और उनके साथ आप अपनी एक न्यू बिगनिंग करते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। आप मैजिशियन की एनर्जी में हैं, जो भी चीज़ आप चाहते हैं ना वो आपकी लाइफ में अब आप अचीव करोगे, ऐसी आपकी एनर्जी है, ठीक है। आप सेलिब्रेट करते दिख रहे हो अपने आप को, अपनी लाइफ को, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ, यू नो कोई फंक्शन अटेंड कर सकते हो, कोई मैरिज का फंक्शन, कोई बेबी शावर, कोई हाउस वार्मिंग, या कुछ ना कुछ ऐसी मैरिज, या फिर कुछ ना कुछ ऐसे फंक्शन को आप अटेंड करते दिख रहे हो, सोशलाइज करते दिख रहे हो। अगर फंक्शन नहीं अटेंड करोगे तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, यू नो आउटिंग करते या फिर अपनी लाइफ को इन्जॉय करते मुझे दिख रहा है इस टाइम पर, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप जो चीज़ अपनी लाइफ में आप चाहोगे उसको आप अचीव करने की एक यू नो क्षमता, एक कैपेसिटी, कैपेबिलिटी आप में इस टाइम दिखेगी, ठीक है। आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप मैनिफेस्ट करोगे चीज़ों को और वो चीज़ें आपकी लाइफ में आप रिसीव करोगे, ऐसी की एनर्जी आपकी है। बहुत ज़्यादा पावरफुल और बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ऑरा आपका मुझे दिख रहा है इस टाइम पे, ठीक है। आपके पार्टनर मुझे हर्ट होते दिख रहे हैं। सो यस, आप अगर नो कॉन्टैक्ट में हैं तो पॉसिबल है कि आप लोगों की बात हो सकती है कुछ लोगों की, कुछ लोग अपने न्यू पर्सन के साथ मूव ऑन कर सकते हैं ऐसा दिख रहा है मुझे। कॉन्टैक्ट में अगर आप हैं तो आपके पर्सन जो है वो हर्ट होने वाले हैं किसी न किसी रीज़न से, या तो आप उनको हर्ट करोगे या फिर आप वो आपको देख के, आपके एनर्जीज को देख के वो हर्ट होंगे ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। हस्बैंड वाइफ अगर आप देख रहे हो, मैरिज कपल्स अगर आप देख रहे हो, तो आपकी जो हस्बैंड है या वाइफ है वो किसी न किसी रीज़न से हर्ट हो सकते हैं ऐसा दिख रहा है मुझे, लेकिन आपके साथ यू नो इस रिश्ते में काम करना, इस रिश्ते को बेहतर बनाना, सुंदर बनाने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे अपनी तरफ से ऐसा दिख रहा है मुझे। सिंगल्स अगर आप हैं तो इस टाइम पे आपकी लाइफ में मुझे कोई भी आता नहीं दिख रहा है, आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ सकता है। आप खुद मुझे स्टक दिख रहे हैं इस टाइम पे, पास्ट की चीज़ों को आपने रिलीज़ नहीं किया है। जब तक पास्ट की चीज़ों को आप रिलीज़ नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएंगे भी अगर, तो फिर से पास्ट की चीज़ें रिपीट होंगी, ठीक है। सो अपने पास्ट के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं उन्हें आप रिलीज़ करें, फ्री हों, और उसके बाद किसी दूसरे रिश्ते में आप जाएँ, ठीक है। क्रश के लेकर आप देख रहे हो तो इस टाइम मुश्किल है उनका प्रपोज करना आपको, लेकिन फ्यूचर में वो आपको ज़रूर प्रपोज करेंगे ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी लव लाइफ। अब हम चेक करेंगे करियर, बिजनेस, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। एंड प्लीज़ गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स के करियर, बिजनेस, फाइनेंस, ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम डिवाइन।
ओह माय गॉड, वाओ द सन, ब्यूटीफुल। ओके, ये ऐसे आया था कार्ड, ब्यूटीफुल। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे कन्या राशि वाले व्यूवर्स के करियर, बिजनेस, फाइनेंस, हेल्थ, ओवरऑल लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है इस टाइम पे। नंबर टाइम प्लीज। ओके, ओह माय गॉड, ऑब्स्टिकल क्या रहेंगे डिवाइन। ओके, ब्लेसिंग्स क्या होंगे डिवाइन। तो जैसे मैंने कहा आपको कि आप एक न्यू बिगनिंग करते मुझे ज़रूर दिख रहे हैं इस टाइम पे, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो यस, ओवरऑल लाइफ में यू नो कोई गिल्ट, कोई टेंशन, कोई डिप्रेशन, कोई एन्जाइटी आपकी ज़रूर थी पास्ट में, और अभी भी आप उसको कैरी कर रहे हो, और मुझे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपके लाइफ में बेहतर होने वाला है। एक नया सूरज का निकलना, एक न्यू साइकिल का स्टार्ट होना मुझे ये दिख रहा है, ठीक है। एक नई एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सक्सेस आपकी ओवरऑल लाइफ में मुझे दिख रही है। लव लाइफ हो, करियर हो, बिजनेस हो, फाइनेंस हो, आपकी हेल्थ हो, हर जगह जो है आपकी यू नो सक्सेस मुझे दिख रही है, विक्ट्री दिख रही है, एक नया न्यू फ्रेश एनर्जी मुझे दिख रही है, ठीक है। सो यस, ओवरऑल लाइफ जो है आपकी थोड़ी सी इस टाइम पे आप बेटर होता फील करोगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। करियर बिजनेस में अगर हम देखें तो मुझे ये लग रहा है कि आप जो हैं हीलर हो सकते हैं, साइकिक रीडर हो सकते हैं, स्पिरिचुअल वर्कर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्स हो सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा जो कि आप पब्लिक सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, लोगों की भलाई के लिए आप काम कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। किसी एनजीओ में आप काम कर रहे हो, ऐसा हो सकता है। और ये जो है आपकी किसी न किसी का सपोर्ट आपको ज़रूर इस टाइम पे मिलेगा, जो कि बहुत म्यूचुअल सपोर्ट होगा, ठीक है। बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो कोई पार्टनर आपको मिल सकता है जो कि सेम प्रॉफिट में आपको मिले, या फिर करियर अगर जॉब कर रहे हो आप तो कोई ऐसा कलीग आपका होगा जो कि आपको बहुत सपोर्ट करेगा, या आपके करियर में कुछ ना कुछ सपोर्ट आपको ज़रूर मिल रहा है जो कि बहुत म्यूचुअल होगा, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। और कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रहा है मुझे करियर आपका, फाइनेंस, बिजनेस एंड एवरीथिंग, यू नो काम करते दिख रहे हो आप, ग्रो करता दिख रहा है मुझे। सो कहीं ना कहीं एक ग्रोथ आप ज़रूर देखोगे अपने करियर पर इस टाइम पर, ठीक है। हेल्थ की अगर हम बात करें आपकी, तो मुझे दिख रहा है कि ऐसे कुछ इश्यूज़ आपको यू नो अगर पहले से थी, पहले से अगर कोई डिज़ीज़ से आप परेशान थे जिसका कि आपने इलाज जो है वो कहीं और जाके करवाया है, ट्रीटमेंट कहीं और से आपने करवाया है, मतलब अपने सिटी से बाहर, अपने यू नो कंट्री से बाहर, या फिर अपने स्टेट से बाहर, अगर आपने कहीं और से ट्रीटमेंट करा के आप आए हो, ऐसी कोई डिज़ीज़ से अगर आप सफ़र कर रहे हो, तो वहाँ मुझे रिकवरी दिख रही है आपकी, और यू नो हेल्थ जो है वो बेटर होता दिख रहा है इस टाइम पर मुझे, ठीक है। ऑब्स्टिकल क्या है? ऑब्स्टिकल ये है कि आप जो हैं कुछ किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी पर्सन का, किसी सिचुएशन का स्टार्ट होने का आप वेट कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। कोई चीज़ आप एक्सपेंड करना चाहते हो जो कि नहीं हो रहा है, मे बी बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हो, नहीं हो रहा है, मे बी अपने लव लाइफ में आप यू नो चीज़ों को ठीक करना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो, नहीं हो रहा है। ऑब्स्टिकल ये है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत कंसर्न हो, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। आगे क्या होगा ये सोच के आप बहुत ज़्यादा कंसर्न हो, मुझे ये दिख रहा है। बहुत सारे विशेस आपके हैं जो पूरे नहीं हो रहे हैं, और यू नो ये ऑब्स्टिकल है क्योंकि थोड़ा सा स्टबन हो आप, ऐसा दिख रहा है मुझे। कहीं कहीं आप स्टबन हो जा रहे हो बहुत ज़्यादा, और चीज़ों को यू नो जो जैसी चीज़ें हैं उसको आप वैसे देख नहीं पा रहे हो। आपको इम्पॉर्टेंट अभी ये है कि आप प्रेजेंट में जिए, बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में ना सोचिए, बहुत ज़्यादा पास्ट में ना रहें, आप
प्रेजेंट में रहें, प्रेजेंट को यू नो प्रेजेंट में काम करें, फ्यूचर प्लान ज़रूर करें लेकिन उसके बारे में ओवर थिंकिंग ना करें, ऐसा दिख रहा है मुझे। आप फ्यूचर को लेके बहुत कंसर्न हो और ये ऑब्स्टिकल है आपके लाइफ में अभी, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं होना है, ज़रूर सोचना है फ्यूचर के बारे में लेकिन बहुत ओवर थिंकिंग नहीं करना है जिससे कि आपकी हेल्थ खराब हो, ठीक है। सो ऐसा दिख रहा है मुझे ऑब्स्टिकल यही है कि आप बहुत कुछ आपके ड्रीम्स हैं जो कि आपके हिसाब से नहीं चल रहे हैं और आप इसके लिए यू नो ओवर थिंक कर रहे हो, इसके लिए आप डिप्रेस्ड हो रहे हो, एंशियस हो रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। नाउ ब्लेसिंग्स एंड आउटकम क्या रिसीव करोगे आप? सो मुझे ये दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग इस टाइम आपकी ज़रूर होगी, चाहे आपके लव लाइफ में हो, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे तो बिजनेस में हो, या फिर आप कहीं जॉब, आपकी डिज़ायरेबल जॉब अगर है तो वो हो, कुछ ना कुछ ऐसा जो कि स्टार्ट होगा और आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, मुझे ये दिख रहा है, सेलिब्रेट करने वाले हैं, मुझे ये दिख रहा है, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो कुछ ना कुछ ऐसा प्रपोजल आपको ज़रूर मिलेगा जिससे कि आप बहुत खुश हो जाओगे। ये आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है कि कोई एक ऑफर आपको मिलेगी और आप उससे बहुत ज़्यादा खुश होते दिख रहे हो, मुझे सेलिब्रेट करते दिख रहे हो, ऐसा लग रहा है, ठीक है। सो कोई न्यू बिगनिंग आपके लाइफ की और एक सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है आउटकम में। सो ये आउटकम आप रिसीव करोगे इन 15 डेज में और ये ब्लेसिंग्स हैं आपको डिवाइन से, ठीक है, इस टाइम के लिए। सो दो डिसीजन आपके पास, यू नो दो राहें हैं आपके पास, इंडिसिसिव हो रहे हो, ऐसा दिख रहा है कि क्या करें, कहाँ जाएं, ऐसी एक एनर्जी दिख रही है मुझे। सो ये जो हैं, जो डिसीजन नहीं ले पाने की जो दिक्कत है वो भी मुझे यहाँ क्लियर होती दिख रही है, ठीक है। सो एक गाइडेंस हम ज़रूर देख लेते हैं आपके लिए, क्या है डिवाइन, प्लीज़ गाइड माई वर्गोज, क्या है उनके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिए गाइडेंस दें प्लीज़ डिवाइन। My dear angels, oh, okay. Fate. Okay, stay calm, trust the good in yourself and others, see the light in the world. आपको faith रखने की ज़रूरत है, ठीक है, trust करने की ज़रूरत है आपको। थोड़ा सा यू नो मैं बोली ना कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न हो आप, ठीक है, ओवर थिंक कर रहे हो। आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि थोड़ा आराम से रहें, स्टे काल्म, ओके, मेडिटेट करें, थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालें, अपनी क्रिएटिविटीज़ पे काम करें, वॉक करें, एक्सरसाइज करें, कुछ कुछ ऐसा करें जिससे कि आपकी एनर्जी जो है वो काम हो सके। हर इंसान में अच्छाई को देखने की कोशिश करें क्योंकि आपके साथ जो भी लोग जुड़ते हैं ना वो आपकी सोल मेंबर्स होते हैं, आपके सोल ग्रुप होते हैं जो कि आपको आपके लाइफ में कुछ सिखाने के लिए आते हैं। सो यू नो सब में एक लाइट देखें, जैसे आप एक सोल हो और इस दुनिया में कुछ सीखने के लिए आए हो, वैसे ही सारे लोग हैं जो कि इस दुनिया में सीखने के लिए आए हैं और आपको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, ठीक है। सो सब में लाइट देखें, अपने जैसा ही सबको सोचें, आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये आपकी लव लाइफ के लिए था, ओवरऑल लाइफ के लिए डिवाइन प्लीज गाइडेंस एनी टाइम प्लीज। कॉस्मिक गेटवे, योर थॉट्स आर मैग्नेटिक एंड पावरफुल, मिराकुलस चेंजेस आर अकरिंग। सो इस टाइम पे आपकी जो थॉट है ना वो बहुत पावरफुल हैं, ठीक है। इस टाइम पे आप जो भी अपने लिए इमेजिन करोगे, आपको मैनिफेस्ट भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो इमेजिन करोगे आप वो चीज़ एकदम मैग्नेटिकली आपके पास आ जाएगी, ठीक है। सो इस टाइम अपने थॉट्स पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, नेगेटिव बिल्कुल ना सोचें, पॉजिटिव सोचें, ग्रैटिट्यूड में रहें और ट्रस्ट करें जो भी आपके साथ हो रहा है वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है, ठीक है। तो एक फेथ, एक ट्रस्ट ज़रूर रखें इस टाइम पे जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट देगी, ठीक है। सो यस वर्गो, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। God bless you all.